पूर्णिया हमेशा अपने में देश और बिहार की तरह अलग सरकार रही। पूर्णिया हमेशा मिसाल कायम किया है, कभी बिजली के सवाल पर, कभी मेडिकल के सवाल पर, कभी आम आदमी की आजादी के सवाल पर। पूर्णिया की जनता हर लूटने वाले सिस्टम से, पदाधिकारी से, नेता से आजादी चाहती है। जो लोग पैसे के बदौलत, रसूख के, ताकत के बदौलत अपनी दुकान चला करके अपना दलाली को सुरक्षित करना चाहता है, इससे मुक्ति चाहती है। पूर्णिया के यूथ जो 24 वर्ष से 29 वर्ष के लोग हैं, वो बच्चे रोजगार चाहते हैं। 42 साल यूथ को रोजगार नहीं, भवानीपुर रुपौली में एक इंटर कॉलेज नहीं, भवानीपुर आजाद नहीं हुआ आज तक, बिजली के मामले में, कोटा के मामले में। भवानीपुर रुपौली विधानसभा से बिना एमएलए एमपी के मेरा रिश्ता था, और आज बारिश के समय उस रिश्ते ने हमें जो आशीर्वाद और सहयोग देने जिस तरीके से आए, यह हिस्टोरिकल है। रुपौली ने ये बता दिया कि पूर्णिया इतिहास लिखने की तैयारी कर दिया, पूर्णिया दुनिया में इतिहास लिखेगा। हर हमेशा पूर्णिया ने इतिहास लिखा है। यहाँ ना तो जाति का खेल कोई खेल सकता, ना हिंदू मुसलमान का कोई कार्ड चल सकता। सिर्फ अपने बेटे के लिए जी है और बेटा अपने आंगन के लिए जी है, यह भवानीपुर रुपौली का इतिहास है। हम इस इलाके में, मैं बार बार कहता हूँ, पूर्णिया में हमको राजधानी चाहिए, पूर्णिया में हमको हाईकोर्ट बेंच चाहिए, पूर्णिया में मखान मक्का पर जो सीमांचल और कोसी, हम उसकी लड़ाई की बात कर रहे हैं। पूर्णिया रुपौली को हम रेलवे लाइन से जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम रेलवे लाइन से रुपौली को जोड़ेंगे, भवानीपुर से जोड़ेंगे, कुरसेला से रेलवे लाइन भवानीपुर बिहारीगंज होते हुए बीरपुर को पप्पू यादव जोड़ने का संकल्प, ये मैं वादा करता हूँ आप। यदि मैं नहीं जोड़ पाया तो मैं दोबारा पूर्णिया में नॉमिनेशन नहीं दूँ, ये मेरा संकल्प है। इसीलिए ये लड़ाई दिल्ली की और पटना की नहीं है, ये लड़ाई कोसी सीमांचल की आजादी की, ये लड़ाई रोजगार के लिए, ये लड़ाई बाढ़ से मुक्ति के लिए, ये लड़ाई भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए। लोगों ने यह वादा किया कि आप लड़िए, हम बेटे के तरह साथ खड़े हैं, और इस लड़ाई के साथ हम संकल्प लेने आज यहाँ से दोहरा रहे हैं कि बिजली जिस तरीके से 3 घंटा भी पंचायत में नहीं है, जिस तरीके महीने के पहले हम 2 बात की वादा करते हैं, हर कीमत पर भवानीपुर का जल निकासी, कोटा का मामला और बिजली बिल का मामला, इसको किसी कीमत पर रुपौली विधानसभा के लोगों को, पूर्णिया की जनता को परेशान नहीं होगा।